जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो, यही मंगल कामना करता हूं। जिन शासन से जुड़े हुए प्रत्येक साधु साध्वी श्रावक और श्राविका के मंगल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। शिवाचार्य भगवान के चरणों में वंदन करता हूं। मेरे सदगुरुदेव परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूं। मेरे सरल आत्मा अत्र विराजित भंते श्री पारसमणि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूं। मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूं। अपनी साध्वियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो इस पवित्र मुहिम को चौमुखी वर्चुअल जाप को पैसठिया की साधना को बड़े सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही हैं और बच्चों की जो एक प्रेरणा बनकर के आई है, बच्चों में जो एक जोश पैदा किया है, उनको मोटिवेट किया है और हमारे जो भविष्य है वो उज्ज्वलता की ओर बढ़ रहा है, उस प्रयास में मेरा साध्वी परिवार थोड़ा सा सहयोग जो भी कर रहा है उसकी मैं हार्दिक अनुमोदना करता हूं। दोनों बहनों की और पूरी टीम की वीरांगनों सहित साध्वियों के साथ साथ मेरे मानस पुत्रियों में इतनी प्रतिभा है, इस का अनुभव करके कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी गौरवान्वित अनुभव करता हूं और मुझे जो एक शकुन दिया है इसके लिए उनको शाबाशी और साधुवाद भी देता हूं। और जितने भी वर्चुअल क्लब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मेरे प्रत्येक श्रावक और श्राविका सह परिवार जो इससे जुड़ा हुआ है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी उत्सुकता मुझे भी भगवान के गुणगाने को विवश कर देती है। तो इस ये श्रेय मैं आप लोगों को ही देता हूं। मैं भगवान को अपने मानस में जो उतार पा रहा हूं और आप तक पहुंचा पा रहा हूं या पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ये सब आपको ही श्रेय जाता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दो पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना पूरी? वेरी गुड, धन्यवाद। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। बिमल है वीर
वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। ये जिन शासन बड़ा पवित्र है, विमल है, मल रहित है, और जैसे सूर्य निकलता है, भानुवत भ्रांति तम नाशन। भ्रांति मिथ्यात्व को कहते हैं। जैसे ही सम्यक दर्शन का उदय होता है, वैसे ही मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाता है। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। याद रखना मेरे बंधुओं, शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। वीर शासन के रखवाले आज श्रावक और साधु हैं। वीर शासन के रखवारे आज श्राविका और साधी हैं। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए शासन पति भगवान महावीर स्वामी की जय। आप लोग कल सुन रहे थे नए सार के भाव में भगवान महावीर की आत्मा ने संतों का सानिध्य प्राप्त किया, और वह सानिध्य किसके बलबूते पर? अपने एक ही नियम के बलबूते पर। एक ही नियम था उसका, सामान्य गृहस्थी था वो, लेकिन नियम का बड़ा पक्का था। उस नियम ने कि जब तक मैं किसी को खिला नहीं दूंगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, केवल इसी नियम ने संतों तक पहुंचा दिया। संतों ने आहार किया, धर्म का बोध दिया, आत्मा का बोध दिया, सम्यक्त्व का प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में आत्मा का अनुभव हुआ और उसी अनुभव में अपने शरीर को पूर्ण किया, देवलोक में गया
और तीसरे भव में स्वयं आदिनाथ भगवान के कुल परंपरा में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में मरीचि के रूप में उसका जन्म हुआ। भगवान का आना हुआ और भगवान का प्रेरणादायी दिल को छूने वाला और संसार का दर्शन कराने वाला उस उदाहरण को सुनकर दीवाना हो गया और भगवान के चरणों में दीक्षित हो गया। यहां तक आपने सुना और मैं कह रहा था कि जिस तरह मौसम को बदलते देर नहीं लगती तो इंसान के मन को बदलते भी देर नहीं लगती। जिस उत्साह के साथ मरीचि कुमार मरीचि मुनि बना, कुछ समय तक भगवान के शासन के नियमों की पालना की, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा भूख और प्यास, क्योंकि निर्दोष आहार पानी लिए बिना वो आहार कर नहीं सकता था, और उस समय निर्दोष आहार पानी देने वाले लोग बहुत कम थे क्योंकि ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से वो भूखा रहने लगा, भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। सभी साधक अपनी साधना में तल्लीन है लेकिन भूख ने उसके संकल्प को कमजोर कर दिया। और भूख बड़ी पावरफुल चीज है, चाहे मानो या मत मानो। अगर भूख के साथ कहीं ना कहीं मोह आसक्ति जुड़ जाए तो फिर भूख और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती। और मैंने संस्कृत में एक कहावत पढ़ी है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। इसको मैं अगर आसान भाषा में कहूं, भूखा मरता क्या नहीं करता। ये पेट की आग इतनी जबरदस्त होती है कि बड़े से बड़ा पाप करवा देती। भूख ने बेचैन कर दिया, प्यास ने तड़फा दिया, वो सोचने लगा मैं क्या करूं, घर जा नहीं सकता क्योंकि घर में छोड़ दिया, घर जाना भी नहीं मुझे। और जिन शासन के नियम बड़े कठोर हैं ये मैं पाल नहीं सकता, घर जा नहीं सकता, कोई बीच का रास्ता निकालता हूं। तो बीच का रास्ता निकाला उसने, परिव्राजक का। ये उसकी उस वक्त की स्वयं की एक कल्पना थी कि जिन शासन में श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं लेकिन मैं एक और वस्त्र का निर्माण करता हूं जो कहीं ना कहीं संसार के विपरीत वस्त्र है वो, और वो वस्त्र है भगवा वेश, भगवा बाना। तो वो बाना उसने ग्रहण किया क्योंकि उनको भी सन्यासी कहते हैं। एक नए सन्यास धर्म की स्थापना की मरीचि मुनि ने, और इतिहास कहता है कि तभी से वो भी चला है, मानो मत मानो, क्योंकि ये विवादास्पद निर्णय है, मैं बोल नहीं सकता दावे के साथ, लेकिन कहते हैं कि वेदों में भी पुराणों में भी आदिनाथ का नाम आता है, स्वीकार करते हैं। और कहीं ना कहीं भगवान ऋषभ देव के साथ कई विचारकों ने विद्वानों ने दोनों को एक रूप में चुना, भगवान शिव को और भगवान आदिनाथ को, कंपैरिजन भी करते रहते हैं, वो तुलना भी करते हैं भगवान शिव के साथ और भगवान आदिनाथ के साथ।
क्योंकि भगवान का जो चिन्ह है वो बैल है, और भगवान उधर शिव जी का भी जो वाहन है वो बैल है, उधर वो नंदी है, इधर वो वृषभ है। और आपको यह भी बतला देता हूं, हमारे यहां पंचमुष्टि लोच का विधान है, लेकिन आदिनाथ परमात्मा ने चार मुष्टि लोच किया था, यानी एक चोटी बची हुई थी, उसको भी वो प्रतीक के रूप में मानते हैं। ये कितनी सत्य है मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी अपनी मान्यता। दूसरी सिमिलरिटी एक और आती है, भगवान आदिनाथ को जो निर्वाण हुआ है वो कैलाश पर्वत पर हुआ है, और शिव जी का भी स्थान है कैलाश पर्वत। इन सब बातों को हम जब जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके पास या वो उनके पास मिलते हैं। तो मरीचि ने भगवा बाना ग्रहण किया, कहा कि मैं घरों में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इस जंगल के अंदर जो कंद मूल हैं, फल फूल हैं, उनको खाकर के मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, और जो झरनों का पानी है, नदियों का पानी है, उसको पीकर के मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, यानी रहूंगा मैं प्रकृति के साथ ही, रहूंगा मैं इसी पद्धति से, जंगल का भी मैं ले सकता हूं, यहां का पानी ले सकता हूं, यहां के फल ले सकता हूं, यहां के कंदमूल ले सकता हूं। ये उन्होंने निर्धारण किया और पांव में पहनने के लिए खड़ाऊ का निर्माण किया, और एक छत्र भी लिया, छत्र क्योंकि मैं अलग से नजर आऊं। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज थी कि धूप धूप है, बरसात है, जंगल में रहना है, कहीं कुटिया मिले ना मिले, लेकिन वो छत्र के नीचे तो रहेंगे आराम से। हाँ, तो एक छत्र भी धारण किया। जीवन बदल दिया। और यहां मैं आज आगम की एक लाइन बोल रहा हूं, एक पंक्ति बोल रहा हूं, कईयों को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है, अगर कोई करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो, मैं तो क्या भगवान भी नहीं समझा सकता। आगम में लिखा है, चारित्र में शिथिलता आ जाए, लेकिन उसका सम्यक दर्शन जीवित रहता है, तो चरित्र में शिथिलता आने के बावजूद भी सम्यक दर्शन अगर रह जाता है, तो उसका चरित्र शिथिल होने के बावजूद भी वो अपना कल्याण कर सकता है, रास्ता दिया है। और ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, ये आगम के शब्द दोहरा रहा हूं। चारित्र जिसको हम आचरण भी कहते हैं, जीवन पद्धति भी कहते हैं, संत जीवन भी कहते हैं, संत का भी एक चरित्र है, संत की भी एक आचार है, एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, और मान्यता प्राप्त है, तो उसमें कहीं कुछ गिरावट आ जाए, कुछ शिथिलता आ जाए, कुछ कमजोरी आ जाए, कुछ ढीलापन आ जाए, ये भाषा बहुत जल्दी समझते हो, ढीलापन, कुछ ढीली हो जाए क्रिया, इसको चरित्र भी बोलते हैं, कहीं क्रिया भी बोल देते हैं, पर लेकिन इसका गूढ़ अर्थ में बाद में बताता हूं आपको, लेकिन उसका सम्यक दर्शन अगर जीवित है तो उसके लौटने की और उसके कल्याण की कोई ना कोई राह जरूर निकल जाती है, लेकिन जिसका सम्यक दर्शन ही खंडित हो गया, हाँ, ये बहुत गहरी बात, जिसका सम्यक दर्शन, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, सामने वाले को जब हम अपने आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, इसको हम
सम्यक दर्शन कहते हैं, मैत्री भाव से देखते हैं इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, बिना अपना मंतव्य डाले, बिना अपना मोह डाले, बिना अपना स्वार्थ डाले, सामने वाले को जब हम देखते हैं निष्पक्ष दृष्टि से, ये सम्यक दर्शन है, इसको श्रद्धा कहते हैं। यहां मिलावट नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कल्याण के निकट रहता है, समीप रहता है, और कभी कभी कल्याण भी कर जाता है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हमारे यहां तो उदाहरण भी कई आते हैं, आपने सुना भी होगा। और ये पर्युषण पर्वों में ये कई लोग इस कहानी को सुनाते भी हैं। साधु साधु, एक वो साधु था ना जो खाए बिना रह नहीं पाता था, एक टाइम तो उसे खाना ही पड़ता था, वो रह ही नहीं सकता था। और संयोग से वो वहां साधु बन गया जहां पर चार तपस्वी थे। एक वो तपस्वी जो 4 महीने तपस्या करता था, चौमासा बैठती 4 महीने का प्रत्याख्यान, एक वो तपस्वी जो 3 महीने की तपस्या करता था, एक वो तपस्वी जो 2 महीने की तपस्या करता था, और एक वो तपस्वी जो मांस खमन करता था, और उसके बीच में वो महाराज जो खाए बिना रहता नहीं। तो समस्त वो जो पर्युषण आते हैं वो आ गया। अष्टाहिनिका पर्व बोलते हैं दिगंबर परंपरा में, और हमारे यहां विशुद्ध अर्थ वही है, अष्टाहिनिका पर्व। ये 8 दिन और रात बड़े पवित्र माने जाते हैं। और संवत्सरी का दिन और भी महत्वपूर्ण। अब संवत्सरी के दिन भी वो चल पड़ा गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के, क्योंकि गुरु के आज्ञा के बिना जाना नहीं। उन्होंने कहा गुरुदेव समय हो गया, आपकी इजाजत है। तो आप ये देखो, उस समय उन चारों तपस्वियों ने उसको ऐसे देखा, वह तुम समझ जाओ, हाँ तुम समझ जाओ, क्योंकि मुझे समझाने की जरूरत नहीं, इस दृष्टि से देखा, इतनी गर्म आंखों से देखा। एक तो तपस्या की गर्मी, और ऊपर से सोचा कि भोजन भट, आज के दिन भी ये संत होकर के भी तपस्या नहीं कर रहा है, शर्म नहीं आती इसको, जिन शासन का विराधक है, चरित्र का नाशक है, ये कर क्या रहा है, हमसे क्या मांग रहा है। वो आंख बंद कर ली उन्होंने, मर कहीं जाओ, वो चल दिया। जैन धर्म से जुड़े हुए श्रावक, वो भी पक्के, किसी ने आहार पानी दिया नहीं, महाराज आज कर क्या रहे तुम, लेकिन बोला रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाती। देखो कितनी निर्मलता है उसमें, कितनी सरलता है। फिर एक बुढ़िया ने उस संत को भटकते हुए देखा, संत को कहा कुछ लोगे, संत ने कुछ है, हाँ ये खिचड़ी है, हम तो गरीब हैं, इसमें घी तो कौन ना, खिचड़ी है चाहे तो ले लो, हाँ चलेगी, अपने को खाने का कोई स्वाद का नहीं, भूख नहीं है कंट्रोल। तो वो खिचड़ी उस बुढ़िया माँ ने उसके पात्रे में डाल दी, और वो खिचड़ी लेके आ गया। अब वहां एक और नियम है कि गुरु महाराज को दिखाए बिना खाना नहीं। अब वो वहां पहुंच गया, कहा गुरु महाराज साहू हुज्जामी तारियो, यानी आप उसे देख लो, वो निर्दोष है या दोषपूर्ण है, और आप कृपा करो उसको देखने की कृपा करो। अब गुरु महाराज को आए, गुस्सा तो आ ही रहा था, खिचड़ी को देखा, और देखती जैसे कहते ना घृणा में मुंह बिचकाना, कईयों को नफरत में देखा करो, अपना चेहरा देखा करो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना तो ऐसे मुंह बिचका देते हैं। ये घृणा की एक्शन बतला रहा हूं आपको। प्यार में घृणा, प्यार का चेहरा अलग होता है, नफरत का चेहरा बिल्कुल अलग होता है। तो गुरु को इतना गुस्सा आ रहा था,
कि उसने उसकी खिचड़ी में थूक दिया। गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ भाई, कोई कोई होता कंट्रोल हो ही जाता है, लेकिन नहीं हुआ कंट्रोल, थूक दिया और चले आए। लेकिन कमाल है जेफ, इसको कह रहा हूं मैं आपसे, फिर कमाल है, जो खिचड़ी लेके आया साधु, उसने कहा गुरु महाराज बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी गुरुदेव, देखो भाव इतने अहोभाव में, इतने अहोभाव में बड़ी कृपा करी, मेरी जिस दाता ने मुझे खिचड़ी दी थी वो बिचारी गरीब नहीं थी, उसके यहाँ कोई घी और मक्खन नहीं था, लेकिन आपने अपना जो एक मक्खन दिया है मुझे, उसने थूक नहीं बोला, मक्खन बोला, और देखता हूं मैं, और सोचना जरा इस बात को कि थूक में जो मक्खन देख ले कितना दिल का सच्चा होगा, वो कितना दिल का धर्म के करीब होगा, और पश्चाताप भी कर रहा है कि मुझको, मैंने अपने गुरुदेव को इतनी तकलीफ दी, लेकिन गुरु ने कितनी कृपा करी कि मुझे घी और मक्खन एक साथ दिया, और उसे वो मिला रहा है, मिला रहा है। पश्चाताप के आंसू भी कि आज के दिन भी मैं खाए बिना नहीं रहा, उसे मिला रहा है। जैसे ही उधर ये क्रिया चल रही है, उधर से ऊपर से देवी देवता आने लगे, देवी देवता को देख के वो सब मुनिराज जो तपस्वी थे, उन्होंने कहा हमारी तपस्या के प्रभाव से आ रहे हैं। अब तपस्वियों को बहुत जल्दी वहम हो जाता है, हैं? अगर बिल्ली भी अगर दरवाजा खटखटा दे तो लगा हाँ वो देवता आ गया, लगता है देवता आ गया, वो थोड़ी सी देर में देवता नजर आने लग जाते हैं। ये देखो गणपति है तो आ गया। तो उन्होंने सोचा यार हमारी तपस्या से, पर जब देखा ना देवताओं को और दूर जाते हुए, क्योंकि वो किसी पेड़ के नीचे उसको मिला रहा था थूक को, सब देवता वहां जाने लगे और पुष्प बरसात करने लगे। उन चारों मुनि राजों ने देखा हुआ क्या, नुकल देखता लगता है देवता भी कंफ्यूजन में आ गए, तपस्वी हम यहां और गए वो भोजन भट्ट के पास। जब पता चला कि उसको तो केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, वो चारों मणिराज देखते रह गए। आप इस चीज से कीजिए, इसको कहते हैं चरित्र में ढीले थे लेकिन कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन, पश्चाताप, मन में आलोचना, प्रतिकर्मण के भाव, स्वयं को धिक्कारना, ये जो एक पवित्रतम घटना है और ये मैत्री भाव में होती है, तो वो तपस्वी भी हिल गए, कहा कि जिसकी हमने विराधना की, जिसकी हमने असाधना की, जिसका हमने अपमान किया, वो हमसे पहले केवल ज्ञान पा गया, इसका मतलब केवल ज्ञान से तपस्या का कोई लेना देना नहीं है। असली तपस्या वो है जिसमें सहनशीलता या सहनशीलता है, मैत्री भाव है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जिसमें संभाव है, सनेह भाव है, वो सच्चा तपस्वी है। तो वो अंदर से वो तीनों साधु भी आलोचना करने लगे कि हमसे गलती हो गई, और उनकी आलोचना भी इतनी तीव्र थी कि उनको भी केवल ज्ञान हो गया। तो आप देखिए दो चीजें हैं, मैंने कल भी आपको एक बात छुई थी, क्रिया और संयम अलग अलग है, लेकिन इसको समझने के लिए दो शब्द देता हूं, एक है अपराध और एक है पाप। दोनों में, दोनों शब्द एक ऐसे लगते हैं कि दोनों आसपास हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इस अंतर को मैं इस तरह डिफाइन करता हूं, इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं, गौर करना। अपराध, अपराध तो कोई कोई करता है, अपराध तो कोई कोई करता है, पाप हर कोई कर सकता है, इसको समझना। इस शब्द में सब रहस्य छुपा हुआ है।
अपराध कोई कोई कर सकता है, लेकिन पाप हर कोई कर सकता है, हर कोई, चाहे साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है, कोई भी पाप कर सकता है और कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है पाप को, क्योंकि अपराध का कनेक्शन शरीर के साथ है। शरीर से अपराध होता है और मन से पाप होता है। अपराध करना, हर कोई अपराध नहीं कर सकता, हर कोई मन के, जो मन में पाप आ रहा है उसको हर जगह क्रियान्वित नहीं कर सकता। कहीं डर जाते हैं लेकिन मन में पाप है। और बताऊं आपको दूसरी बात, दो राशि एक और मिलती है, एक कर्म की एक कानून की। आपको यह भी बतला देता हूं, कानून केवल अपराधी को पकड़ता है। कानून ये कहता है कि मन में चाहे तुम किसी को भी बर्बाद करने का प्लानिंग बनाओ, मन में कितनों को ही मारो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बस प्रैक्टिकल मत कर देना, शरीर से क्रियान्वित मत कर देना, कहीं एक्शन में मत आ जाना। अगर तुमने, तुम्हारा बॉडी कहीं इन्वॉल्व हो गया, तुम्हारा शरीर से अगर वो पाप हो गया है, फिर कानून तुम्हें पकड़ लेगा। तो कानून केवल अपराधी को पकड़ता है, लेकिन कर्म, कर्म पाप को पकड़ लेते हैं, जो भी तुम सोचते हो, क्योंकि पाप का कनेक्शन मन से है, अपराध का कनेक्शन तन से है। अपराध शरीर से होता है, पाप मन से होता है। और वो तुम कभी भी समायिक में भी पाप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, तभी तो बोला जाता है 10 मन के 10 वचन के 12 काय के, ऐसे कोई बोला जाता है। तो वो आप मन से भी पाप कर सकते हो, बैठे बैठे समायिक में भी कर सकते हो, धर्म स्थान में भी कर सकते हो, और किसी की निंदा करते हुए भी कर सकते हो, और किसी को शरीर, किसी को आपने शरीर के द्वारा मारा तो भी आप काय की भी दोष कर सकते हो। आलस और प्रमाद में शरीर की बनावट, और ये आपने कोई भी शरीर का एक्शन किया, दोष किया, शरीर के एक्शन के द्वारा अपने पाप को उजागर किया, वो काय का दोष है। तो आप ये समझिए कि पाप कहीं भी कर सकते हो आप, धर्म स्थान में प्रवचन सुनते हुए। अभी भी कई लोग सोच सकते हैं कि महाराज पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसा बोलते बोलते भी कर सकते हो आप। आप ये भी सोच सकते हो कि फला के पास तो सब कुछ आ गया और वो सब 2 नंबर का माल है उसके पास, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 1 नंबर का पैसा है और दूसरे के पास 2 नंबर का पैसा है। वो पाप करता है, सब कुछ करता है, दुनिया के कुकर्म करता है, हम शरीफ है। तो दूसरे को गाली देना, दूसरे की आलोचना करना, दूसरे को बुरा मानना और दूसरे की बुराई करना, और ये तुम कहीं पर भी अगर मन में भी आ जाए तो पाप तो हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल दिया भगवान महावीर ने, हम सभी संतों को भी समझाने के लिए, और जो बड़े बड़े तपस्वी श्रावक और श्राविका हैं, 12 व्रतधारी हैं, जिनको एक भ्रांति हो गई है कि हम 12 व्रत कर रखे हैं, 4 कंद का त्याग कर रखा है और रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है, 1.25 लाख तो क्या, हमने 1.25 करोड़ बार भी नौकार मंत्र का जाप कर रखा है, और हमने तो नरक में जाना ही नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर ने कहीं पर भी नहीं कहा कि 1.25 करोड़ बार नौकार मंत्र का जाप करने से आपका नरक का बंधन टूट जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। ये क्यों भ्रांति में पड़ते हो आप, क्योंकि आप कहां जाने वाले हो, आपके मुख से उसका कोई लेना देना नहीं है, आप क्या बोल रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका शरीर क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे सीधा कनेक्शन अगर कहीं है तो आपके मन से, दिमाग से, खोपड़ी से। तो उदाहरण दिया, देखो इससे बढ़िया कोई उदाहरण मुझे मिला नहीं, और आपने कभी सुना भी हो। एक तंदुल मत्स्य है, तंदुल मत्स्य, उसकी शरीर की जो आकृति है ना, चावल के दाने जितनी है। अब देखो चावल के दाने की जितने जिसका शरीर है, बॉडी इमेज है उसकी, उसकी बॉडी स्पेस है, मतलब जो भी है, और चावल के दाने जितना, तंदुल मत्स्य उसका नाम है। तंदुल कहते हैं चावल को, यानी चावल के आकार के जितना जिसका शरीर है। और मत्स्य इसलिए कहा है क्योंकि वो मगरमच्छ की पलकों के ऊपर रहता है, मगरमच्छ
मगरमच्छ उसकी पलके के ऊपर रहता है। अब देखो, मगरमच्छ जब तक आंखें खोले रहता है तो वो मत से पलकों के पीछे रहता है, यानी अंदर रहता है। मगरमच्छ की पलके अगर खुली हुई हैं तो तंदुर मत्स्य को कुछ भी दिखाई देता नहीं, क्योंकि पीछे है, वो उस पलकों के पीछे है। लेकिन मगरमच्छ जब पानी में सो जाता है कभी कभी, तो पलके झुक जाती हैं, पलके बंद हो जाती हैं, और तंदुर मत्स्य सब कुछ बाहर का नजारा देखने लगता है। और उस वक्त क्या होता है, जब वो सांस लेता है मगरमच्छ, तो पानी अंदर जाता है, और जब सांस छोड़ता तो पानी बाहर आता है। तो पानी जब अंदर जाता है तो छोटी मोटी मछलियां तो उसके अंदर चली जाती हैं, लेकिन जब वो पानी छोड़ता है तो सारी मछलियां बाहर आ जाती, वैसी की वैसी एज ए पीच, जिंदा की जिंदा। तो वो तंदुर मत्स्य बैठा बैठा, अब देखो चावल के दाने जितना उसका पैर कितने होंगे, फिर भी वो छोटे छोटे पांव से चुभाता रहता उसको, अबे कर क्या रहा है, उठ तो सही, देख कितनी प्यारी प्यारी कच्ची कच्ची मछलियां निकल गई बाहर, तू सोता रहेगा, पागल है तू। हाँ, अगर तेरी जगह मैं होता ना, मजाल है, एक भी मछली बचकर निकल जाती, एक को भी नहीं जाने देता, तू पागल है, आलसी है, प्रमादी है। केवल इतने भाव भाने से, केवल इतने भाव भाने से तंदुर मत्स्य मरकर सातवीं नरक में जाता है। उसने कोई मछली नहीं खाई, उसने शरीर से कोई पाप नहीं किया, लेकिन मन ही मन उसने इतनी हिंसा की कि वो मर के सातवीं नरक में जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगाओ, इससे बड़ी और कोई उदाहरण नहीं दे सकते थे भगवान। ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ करें, तो इसलिए सावधान रहने को बोला है। तो मरीची की बाहर की अवस्था और बाहर की व्यवस्था, अवस्था यानी पहनावा और व्यवस्था यानी खाना पीना आहार चर्या, इसको व्यवस्था कहते हैं। बाहर की अवस्था और बाहर की व्यवस्था दोनों ही चेंज हो चुकी थी, परिवर्तित हो चुकी थी। सफेद बाने की जगह भगवा बाना आ गया और निर्दोष आहार पानी की जगह कंदमूल आ गए, फल फूल आ गए, झरनों का पानी आ गया, पांव में खड़ाऊ आ गई, सिर पर छत्र आ गया। ये और देखो, ये उसका बाहर का ढांचा और सब बाहर का व्यवहार बदल चुका है, लेकिन फिर भी वो रहता भगवान ऋषभ देव के साथ ही था। हाँ, ये पक्की बात थी, वो जहां जहां भी जाते थे उनके साथ ही चलता था। वो ठीक है, जहां उनके संत बैठते थे वो बाहर बैठ जाता था, क्योंकि पर लेकिन वो भगवान को देखे बिना नहीं रहता था, भगवान को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था, वो उनको देखता रहता था, दूर से ही देखता रहता था, लेकिन उन्हें देखता जरूर था। और भी सुंदर बहुत थे वो, और उनकी वाणी में प्रभाव भी बहुत था, लोग प्रभावित भी बहुत होते थे, और प्रभावित होते थे तो शिष्य बनने की जिद करते थे। तो उनका एक नियम था मरीचि मुनि का कि भैया मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, अगर तुम्हारे मन में साधु बनने के भाव आते हैं तो शिष्य बनो भगवान आदिनाथ के, क्योंकि वो धर्म असली है। मैंने तो अपना एक बीच का रास्ता निकाला है, मेरे से भूखा नहीं रह जाता, और मैं खाए बिना रह नहीं सकता हूँ, पिए बिना रह नहीं सकता हूँ, नंगे पांव चल नहीं सकता हूँ, बाल में उखड़वा सकता नहीं हूँ, ये सब मैंने अपनी एक व्यवस्था की है, लेकिन धर्म उनका असली है। अगर मेरी बातों से आप प्रभावित होते हो तो मेरी विनती है कि आप शिष्य उनके बनो, क्योंकि वो अमृत पुरुष है, मैं कायर हूं। वो अपनी आलोचना करते थे, मैं कायर हूं, और ये सम्यक दर्शन है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना, अपने को छोटा साबित करना और बड़ों के गुण गाते रहना और उनको सही को सही कहना, गलत को गलत करना, खुद की क्यों ना कर रहे हो तो भी उसे यही कहना कि हाँ मैं गलत हूं, मैं रह नहीं सकता खाए बिना,
इस तरह के भाव, ये सम्यक दर्शन है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, कभी कभी मैं अपने श्रवण संघ के संतों को लेकर के कई साधु साध्वी कई श्रावक श्राविका टिप्पणी कर जाते हैं कि वो ये भाई ढीले हैं, ये करते रहते हैं, ये वो करते रहते हैं। तो मैं अपने साधु संतों को एक बात कहता हूं कि कोई बात नहीं भैया, वो बहुत ऊंची क्रिया पालते हैं, उनके आगे हम हैं ही छोटे, लेकिन आप उनके ऊपर गुस्सा मत करो। आपको ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कष्ट सहते हैं, अपनी ऊंची साधना करते हैं, और हमने थोड़ा धर्म प्रचार के अनुसार या यूं कहो समय के अनुकार समय के अनुसार जो थोड़े बहुत चेंज किए हैं, तो उन चेंजों को वो हजम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ भी बोल भी देते हैं। तो उनके ऊपर गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हम ये मान के चले कि बेशक से हमारा मकसद धर्म की प्रभावना करने का है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो छूट ली है, और उस छूट के पीछे अगर कोई निंदा कर रहा है तो उस निंदा के प्रति द्वेष भाव नहीं लाना। अगर हम नहीं लाते हैं तो ये हमारी साधना है। विपरीत शब्दों को सुनने के बावजूद भी अंदर के अंदर कोई बौखलाहट नहीं आती है तो ये भी एक साधना है, ये विनम्रता है। और कोई साधना की उच्चता पर अपने को उच्चा बता रहा, बताने दो भाई। तो मैं एक बात यही कहना चाहता हूं कि ये संतुलन बन नहीं पा रहा है हमारी समाज के अंदर। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है कि हम उनका सम्मान करें, हम उनकी साधना को महान माने, और वो अगर वो भी पॉजिटिव सोच सकते हैं कि जो धर्म की प्रभावना आजकल के बच्चों को समझाने का जो तरीका है, अगर ये उस धर्म की प्रभावना करते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, तो ये भी उनका परम पुरुषार्थ है, इसलिए हम इनकी भी निंदा नहीं करते। ये एक ऐसा सुंदर वातावरण बन सकता है, पर लेकिन नहीं बन पाता है, बना नहीं पाते हैं, क्योंकि इस वातावरण को बनाने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए, मैत्री भाव चाहिए, गुण दृष्टि चाहिए, गुण को देखने की ताकत चाहिए। कमियां देखेंगे तो कमियां मिलेंगी हजार, और गुण देखोगे तो मिलेंगे वो भी अपार। पर लेकिन ये कला केवल सम्यक्वी के पास होता है, सम्यक दर्शी के पास होता है। जिसको सम्यक दर्शन है वही गुणग्राही हो सकता है, और जो मिथ्यात्वी होता है वो बुराई ढूंढ सकता है, अच्छाई नहीं ढूंढ सकता है। इसलिए मैं मिथ्यात्वी हूं, जो भी कोई है, मैं चाहे श्रावक है कोई साधु है, जब भी हम निंदा करते हैं उस वक्त हम मिथ्यात्वी होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व में ही निंदा हो सकती है, सम्यक्वी कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता। अब देखिए मरीचि ने किसी को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया, इसके तीन कारण आए, और इस कारणों को बड़े गहराई से सुनना जरा। वो ये मानते थे जो व्यक्ति अपने साथ किसी वस्तु या व्यक्ति को नहीं जोड़ता है वो हल्का बना रहता है, ये उनकी पहली मान्यता थी। क्या बोला मैंने, जो व्यक्ति अपने साथ किसी वस्तु या व्यक्ति को नहीं जोड़ता वो हल्का बना रहता है। अब जो अकेला रहेगा वो हल्का ही रहेगा ना, उसको ये तो रहेगा कि कोई बोझ नहीं है, मैं भी किसी पे बोझ नहीं बनूंगा, और मैं किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ नहीं जुड़ूंगा, यानी अपने अटैचमेंट अपने मोह को विस्तार नहीं दूंगा। ये दूसरी बात, क्योंकि अब ये और गहरी बात बोल रहा हूं, और ये उनका चिंतन है मरीचि का, क्योंकि वो ऐसे ही भगवान महावीर नहीं बने हैं। वो अगर भगवान महावीर बनने का कहीं ना कहीं कुछ हुआ है तो यहां पर भी प्रभाव है कहीं ना कहीं, कि धर्म जो होता है व्यक्ति और वस्तु के साथ जुड़ना नहीं सिखाता। ये और गहरी बात, आप इसको क्या समझोगे, धर्म कभी भी व्यक्ति और वस्तु से जुड़ना नहीं सिखाता। जुड़ना क्या है, जुड़ाव, लगाव, अटैचमेंट, आसक्ति, चाहे वो वस्तु के प्रति हो और चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो। तो ये मोह है, ये मैत्री नहीं है, क्योंकि ये कभी ना कभी संतों से भी हो जाता है और कभी ना कभी श्रावकों से भी हो जाता है। अब कई संतों के भाई अपने स्पेशल श्रावक होते और वो आ जाते हैं तो बस फिर उन्हीं से बात करते हैं,
और कोई दूसरा श्रावक आ जाता, बेचारा हाथ उत भी जोड़ता रहता, बदनामी करता रहता है, तो भी संत उसकी तरफ देखता तक नहीं है, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। अगर संत ये सोचे कि भाई मेरे पसंद का व्यक्ति आ गया तो फिर मैं दूसरा व्यक्ति नजर ना आवे, दूसरे दूसरी की तरफ नजर ना जावे, तो ये मोह है, ये मैत्री भाव नहीं है। अगर हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी की भक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये हमारा मोह है। हम किसी से इतना जुड़ गए कि दूसरा नजर नहीं आता। ऐसी गृहस्थियों के अंदर भी है, श्रावकों के अंदर भी है। उन्होंने भी निश्चित कर दिया, मुझे इन साधुओं के अलावा, इन साधियों के अलावा मुझे किसी के पास जाना ही नहीं, किसी का मुंह देखना ही नहीं। ये जो भाव आते हैं, किसी का मुंह देखना ही नहीं, बल्कि कई जगह तो मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे, अरे भैया तुम, क्योंकि आखिर मुझे 42 साल हो गए हैं साधु बने, मैंने जिंदगी के कई रंग देखे हैं, जिंदगी के कई रंग देखे हैं, लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे हैं, लोगों का व्यवहार भी देखे हैं, कड़वे से कड़वे अनुभव भी रहे हैं मेरे पर, लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं, ये उनकी मानसिकता है, हमें इनसे पार जाना है, ये लोग हमारे उपकारी हैं, ये हमारे मानसिक संतुलन के जांचने परखने वाले हैं, ये हम कितने शांत रह सकते हैं ये हमारी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर हम ये सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। तो आप ये देखिए कि यहां तक देखा है मैंने, कमाल की बात है। एक जगह मैं गया, हंसी की बात है, और वहां जैन लिखा हुआ था, और मेरी पहले बड़ी गंदी आदत थी, जहां जैन बोर्ड लगा हुआ था मैं उसके घर में बेरोक ठोक घुस जाता था। अब मैं घुस गया, अब मुझे पता नहीं, रसोई में एक बहन कुछ काम कर रही थी, मुझे देखा, देखती उसकी आंखें लाल हो गई, उर्र, और बेलन लेके मारने को आई मुझे, मैं बाहर आ गया, और मैं बोला सर कहीं गलत जगह फंस गया मैं। मैंने कहा बहन रुको रुको, मैं जैन समझ के आ गया, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा तुम किराएदार होंगे, किसी के किराएदार होंगे, आप जैन नहीं होंगे क्या? हम जैन है, जैन है, हम दिगंबर जैन है, ऐसा बोला। फिर बोला बहन आपके नाम के आगे तो कहीं लिखा नहीं है दिगंबर जैन, यहां तो केवल जैन लिखा है ना, अगर एक काम और कर दो कि इस बोर्ड के नीचे लिख दो यहाँ स्वतंबर संप्रदाय के संतों का आना मना है, अगर ये लिख दोगे तो हम नहीं आते। मैं तो जैन समझ के आ गया, क्योंकि हम भी जैन हैं, हम भी भगवान महावीर को ही मानते हैं, आप भी भगवान महावीर को ही मानते हैं। वो थोड़ी देर मुझे सुनती रही, और मैंने उस बेलन को हाथ से नीचे छूटते हुए देखा। मैंने कहा बहन अगर आप ही, मैं तो फिर भी इसी संघ का संत हूं, अरे तुम्हारे द्वारे पे कोई भिखारी भी आता है तो उसके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप क्या सोच रहे हो, किसने सिखा दिया आपको ये? एक जगह मैंने और दृश्य देखा, ये अनुभव बतला रहा हूं मैं, सुबह सुबह की वो जो होता ना ब्रेकफास्ट, सुबह की गोचरी लेकर के आ रहा था, तो एक श्रावक थे, तो गली बड़ी पतली थी, वो मैं इधर से आ रहा था, वो उधर से आ रहा था, बेचारा फंस गया, उसका नियम होगा कुछ अटपटा सा। तो ठंड का समय था, तो जो लोई होती है तो वो मुंह ढक करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मैं सोचा पता नहीं क्या पंखा हो गया, तो मैं पहुंच गया उसके पास, मैं वो चद्दर खींचने लगा उसके, अरे क्योंकि मैं उसे जानता था, लेकिन यार कुछ बात हो गई। तो मैं बोला श्रावक जी आप इधर क्या कर रहे हो? वो मुझे थारा मुंह देखने में पाप लगे, पाप लगे। मैं बोला मेरा मुंह देखने में पाप लगे? वो तेरी दुकान पर 36 कौम के लोग आवे, उनका मुंह देखने में पाप नहीं लगे? तेरा बेटा रोज डकार जाता है, उसका मुंह देखने में पाप नहीं लगे? तुझे
अपनी घरवाली का मुंह देखने में पाप नहीं लगे, मेरा ही मुंह देखने में तुझे पाप क्यों लगता है? अरे क्या की बात सोच रहे हो यार तुम, क्या किस धारणा में जी रहे हो तुम? ये धारणा ठीक नहीं है, ये महावीर की धारणा नहीं है, ये मैत्री भाव की धारणा नहीं है, ये मेरी भावना की नहीं है धारणा। ठीक है भैया, अगर तुम इसको ही धर्म मानते तो ढो इस धर्म को। ये मैं दर्द वो बता रहा हूं कि पता नहीं ये मानसिकता कहां घुसा दी जाती है, और कहीं कई संप्रदाय में तो ये पढ़ाया जा रहा है कि श्रवण संघ के संतों का मुंह देखने से मिथ्यात्व का दोष लगता है। लो जी कमाल की बात है, ये नया नहीं तो मिथ्यात्व के 10 भेद हैं, उन्होंने 11वां भेद भी कर रखा है। ये जो ये कट्टरता है, ये कहीं ना कहीं धर्म को नष्ट करने वाली है। संप्रदाय कुछ तो हो सकता है लेकिन धर्म नष्ट हो जाता है। तो फिर तीसरी बात, मरीची के भीतर, ये देखने वाली मरीची के भीतर तब तक धर्म तरोताजा बना रहा जब तक उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। और इस तरह वो बिहार करते करते एक बार अयोध्या में फिर आ गए भगवान आदिनाथ। समोसरण लगा, और समोसरण जैसे लगा तो पूरी की पूरी अयोध्या उमड़ करके भगवान आदिनाथ के समोसरण में उमड़ने लगी, और वो समोसरण के बाहर बैठे हुए हैं। कई लोग जानते थे मरीची को कि भरत चक्रवर्ती के बेटे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई नहीं देखता था ज्यादा, फिर भी वो मस्त रहते थे, और कोई देखता था उन्हें हाथ जोड़ते थे तो वो इशारा करता था अंदर जाओ, अंदर भगवान के समोसरण में जाओ, भगवान के समोसरण में जाओ, ऐसे एक्शन करता था, भगवान के समोसरण में जाओ, मुझे मत देखो, भगवान के समोसरण में जाओ। और देखो संयोग, उसी वक्त भरत चक्रवर्ती जो उनके पिता थे, उन्होंने मरीची को देखा उस वेश में, उससे अच्छा नहीं लगा, और देखा भी नहीं उसकी तरफ ज्यादा गौर से, सीधा निकल गया। भगवान की भरी सभा में प्रवचन चल रहा है, लेकिन आखिरी में भरत चक्रवर्ती ने एक सवाल पूछ लिया, वहीं भरी सभा में पूछा भरत चक्रवर्ती ने कि परमात्मा मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। 24वां तीर्थंकर कौन होगा, क्योंकि आप प्रथम हैं और एक ही काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 24वां तीर्थंकर कौन होगा? तो भगवान ने भरी सभा में कहा, तुम्हारा पुत्र मरीचि कुमार भगवान महावीर बनेंगे। हैं? क्या बोला? हाँ, जिनको तुम उपेक्षा की दृष्टि से देख करके आए हो। देखो भगवान, ये है सम्यक, ये भगवान की मैत्री दृष्टि है कि जिनको तुम उपेक्षा की दृष्टि से देख करके आए हो, मरीची को, वो भगवान महावीर बनेंगे 27वें भाव के अंदर और 24वें तीर्थंकर होंगे। इतना सुनते ही आह, भरत चक्रवर्ती अपने स्थान से खड़े हो गए, नंगे पांव मरीचि के पास आए, छत्र लेकर के बैठे हुए, हाँ खड़ाव पहन रखी है और फल के टोकरे भी वही है। ये दृश्य कोई जैन श्रावक देख लेना तो साधु को ऐसा कहे मर के नरक में जाएगा, मतलब संतों के साथ ऐसा हो जाए तो बता रहा हूं। लेकिन आज भरत चक्रवर्ती ने विधि सहित मरीचि मुनि को नमन किया, वंदन किया। तो मरीचि ने कहा, आप मुझे वंदना मत करो, मैं वंदना योग्य नहीं हूं। क्या बोलते वो? मैं वंदना योग्य नहीं हूं, मैं वंदनीय नहीं हूं, वंदनीय भगवान है आदिनाथ, भगवान को वंदना करो, मुझे वंदना मत करो। ये जो चीज है, ये आप श्रेष्ठता देखिए। तब कहा, तुम बहुत असामान्य हो, आज भगवान ने भरी सभा में 24वें तीर्थंकर के बारे में बताया,
और आप इस युग के, इस काल के 24वें तीर्थंकर महावीर के रूप में जन्म लोगे। आपकी आत्मा की उन्नति की यह खबर सुनकर मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपने पर कब्जा नहीं कर पाया, मैं रोक नहीं पाया कि हमारे ही घर में 24वें तीर्थंकर, वाह प्रणाम। तो मरीची ने कहा एक बार और बोलो, क्या बोला आपने, क्या बोला? हाँ तुम 24वें तीर्थंकर महावीर बनोगे। देखो यहां गड़बड़ शुरू हो गई, अब यहां चालू हुई है गड़बड़। इतना सुनते ही मरीची खड़ा हो गया, नाचने लगा, यस ये जो चीज है ना, ये यस, नाचने लगा और यहीं पर ही सब कुछ खराब हो गया बस। यस इसलिए कहता हूं जब तुम बहुत ज्यादा इतराते हो ना, यस, और ये नहीं समझते कि यहीं पे केस खत्म हो गया, यहीं पर ही कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उस वक्त तुम किसी को कुछ नहीं मानते, यस यानी मैं ही सब कुछ हूं, मैं तीर्थंकर। ओ नाचने लगे जोर जोर से, सोचने लगे वाह जिसका दादा भी तीर्थंकर है, जिसका बाप चक्रवर्ती है, और उसी खानदान में जन्म लेने वाला मैं मरीची महावीर बनूंगा। खानदान हो तो ऐसा हो, घराना हो तो ऐसा हो। यहां पर अतिरेक हो गया, क्योंकि आदमी जब खुशी में पागल होता है ना भैया, फिर नियंत्रण नहीं रहता। दो ही चीजों में तो पागल होता है, या तो खुशी में या क्रोध में, और दोनों अवस्था पागल की अवस्था ही हो जाती है। तो वो यहां पर अहंकार आ गया उनको, अहंकार आ गया, इतराने लगे, मैं तीर्थंकर बनूंगा। तो याद रखना, महानता के साथ अगर मेरा शब्द जुड़ जाता है, मेरा, तो ये मेरा जो अहंकार है ये आदमी को छोटा कर देता है। और मैंने तो एक कहावत पढ़ी है, जिसका करोगे मद, मद यानी अहंकार, जिसका करोगे मद वो हो जाएगा रद्द। अहंकार जो है वो साधना का जहर है। पानी की गति में दीवार बाधक है, तो साधना की प्रगति में अहंकार भी बाधक। ये अहंकार की वजह से मरीची के भाव बंध गए और अपने उस प्रिव्राजक काल को पूरा करके, यानी उम्र का पड़ाव पूरा करके, लेकिन प्रिव्राजक के संस्कार इतने दृढ़ थे, उनके इतने दृढ़ होते कि महावीर की आत्मा कई जन्मों तक परिव्राजक ही बनती रही, परिव्राजक बनती थी। देखिए मरीची अपने मद का पश्चाताप भी नहीं कर पाया, और वहां एक और चीज कर बैठे, वो एक चीज और कर बैठे वहां गलती, कि उन्होंने आखिरी समय में राजकुमार कपिल दीवाना था उनका, और वो दीक्षा लेना चाहता था, पहली बार किसी को शिष्य बनाने के भाव पैदा हुए, तो कपिल को कहा भगवान आदिनाथ के मार्ग का भी वहां पर भी धर्म है, और जो मेरा मार्ग है वो भी धर्म है, पहली बार का, और मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य घोषित करता हूं। तो वहां शिष्य घोषित किया कपिल, और वो कपिल मुनि बने। तो वो अपना समय पूरा करके पांचवें देवलोक में गए, और वहां से आए फिर मनुष्य बने, और मनुष्य भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उन्होंने,
फिर वो प्रिवराजक बने, और देखिए लगातार इसी तरह वो देव प्रिवराजक बनते रहे, देवलोक में जाते रहे, प्रिवराजक बनते रहे, देवलोक में जाते रहे, प्रिवराजक बनते रहे, देवलोक में जाते रहे। लगातार 16 जन्मों तक देवलोक मनुष्य और मनुष्य में प्रिवराजक बनते रहे, ये यात्रा रही है 16 जन्मों तक। और 17वां जन्म क्या होता है इसका जिक्र, इसकी चर्चा कल करेंगे। तो 16 जन्म भगवान महावीर मनुष्य बनते रहे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते रहे, प्रिवराजक बनते रहे यानी सन्यासी बनते रहे, और सन्यासी भी नरक में नहीं जाता। ये देखो यहां पर वो 21वें देवलोक तक गए हैं, कभी 11वें देवलोक में गए हैं, 5वें देवलोक में गए हैं, वो बड़े ऊंचे ऊंचे देवलोक में गए। प्रिवराजक भी जाता है यानी वहां कहीं ना कहीं साधना का महत्व है, सरलता का महत्व है। तो 16 जन्मों तक वो मनुष्य भी बने और प्रिवराजक भी बने। प्रिवराजक यानी सन्यासी, जिनको हम सनातनी भी संत कहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं, तो वो बने। और 17वें जन्म में क्या परिवर्तन आया ब्राह्मण कुल के, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है वो ब्राह्मण कुल में हुआ है, और ब्राह्मण कुल में होने की वजह से वो सन्यासी बनते रहे, प्रिवराजक बनते रहे। 17वें भव के अंदर चेंज होती है, उनकी जाति चेंज होती है, और वहां क्या बनते हैं, वहां पर क्या गड़बड़ हुई है, अगर इसको सुनना है तो कल भैया फिर आना पड़ेगा।